बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने शहादत पर सियासत का ऐसा राग छेड़ा कि बीजेपी की राजनीति गलियारों में किरकिरी हो गई। क्या विपक्षी और क्या सहयोगी, हर कोई पार्टी को सम्मान की सीख देने लगा। इस सीख के साथ ही सियासी वार भी जमकर हुए। अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रज्ञा के बहाने न सिर्फ बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया बल्कि एक तीर से दो निशाने भी लगाए। शहादत पर सियासत न करने को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लाख हिदायत दी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिलने की इतनी खुशी हुई कि वो मुंबई ब्लास्ट में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दे बैठे। जैसे ही उनकी जुबान से विष बुझे बोल निकले, विपक्ष ने मौके को लपक लिया और साध्वी के बयान को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अब जब मौका मिला है तो भला कोई हमला करने से क्यों चूकेगा। राहुल गांधी के लिए वायनाड में वोट मांगने पहुंची प्रियंका गांधी भी जब पुलवामा हमले में शहीद के परिवार से मिलने पहुंची, तो उन्होंने प्रज्ञा के बयान का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रख पर हाथ रख दिया। प्रियंका गांधी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि शहीदों का अपमान शर्मनाक है, इनका सम्मान करना चाहिए। शहीद शहीद होता है, वो देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। प्रियंका गांधी ने आज न सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर के बहाने बीजेपी पर प्रहार किया बल्कि शहीदों के परिजनों के दुखों पर मरहम लगाकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश भी की। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज पर भी निशाना लगाया। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद वसंत कुमार आदिवासी समाज से आते हैं और वायनाड में सबसे ज्यादा संख्या किसानों और आदिवासियों की ही है। यहाँ आदिवासी करीब 19% हैं, इसलिए यहाँ पहले प्रियंका ने किसानों से मुलाकात की थी, तो वहीं आज आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले शहीद के परिजनों से मिलने पहुंची। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका का ये तीर निशाने पर लगता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।